आज खेलो शाम संग होरी, आज खेलो शाम संग होरी, पिचकारी रंग भरी केसर की, आज खेलो शाम संग होरी। होरी इसका मतलब होता है होली। इसको हम अलग तरीके से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में मनाते हैं। होली पर बेस्ड जो गाने हैं वो सब काफ़ी में कंपोज किए जाते हैं। सब गाने जो होते हैं मैक्सिमम ये काफ़ी राग में तैयार होते हैं। बहुत सारे फोक सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग जो होते हैं वो काफ़ी राग में कंपोज होते हैं। तो हम आज यही जानेंगे कि काफी राग क्या है, इसका स्थाई क्या है, अंतरा क्या है, ये सब कुछ अभी नेक्स्ट सेशन में हम देखते रहेंगे। सबसे पहले मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। राग काफी, यह जो राग है ये काफी थाट से ही उत्पन्न होता है। इसको अलग भाषा में समझाएं तो ये आश्रित राग है। इसका मतलब यही है कि ये उसी के थाट से उत्पन्न हुआ राग है। इसके सारे सुर शुद्ध है, लेकिन उसमें से ग और नी सुर ये कोमल लगता है। ग और नी सुर आपको क्या शुद्ध ही लेना पड़ेगा, ये इसका मेन रूल है। तो सबसे पहले इसका आरोह संपूर्ण जाएगा और अवरोह भी संपूर्ण आएगा। इसका मतलब इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण, यानी इसमें सारे सुर लगते हैं। ग सुर और नी सुर ये कोमल लगता है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण हो गई है। इसके बाद इसका वादी स्वर है पंचम, यानी प। प सुर आपको ज़्यादा तौर से इसमें यूज होता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका वादी सुर है पंचम। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सारे रागों का जो गान समय है, गायन समय है, ये तय किया हुआ है, फिक्स करके रखा है। तो इस राग को आप रात्रि के प्रहर में गा सकते हैं, मध्य रात्रि के प्रहर में गा सकते हैं। तो आइए अभी सबसे पहले इसका हम जानेंगे आरोह। सारे यह है इसका आरोह। सा रे ग म प ध नी सा, इसका अभी देखते हैं हम अवरोह। सा नी ध प म ग, यह है इसका अवरोह। तो हमने जैसे कहा था कि इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है, इसलिए आरोह में भी इसके सारे सुर लगेंगे और अवरोह में भी सारे सुर लगेंगे। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। अब इसकी देखते हैं हम पकड़। सा सा रे रे ग ग म म प, यह है इसकी पकड़। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस राग का रियाज करेंगे। सबसे पहले आपको इसका आरोह अवरोह और पकड़ इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस राग पर आधारित आप फिल्मी सॉन्ग सर्च करिए और ये सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि इसके अनुसार इस राग को आधारित कोई अगर आपको गाने देखने में आए हैं, सुनने में आए हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे।
थैंक यू वेरी मच।